आप लोग देख रहे हैं लाइफ टाइम फ्री सेट टॉप बॉक्स। एक बार घर में लगाएंगे तो ज़िंदगी भर इसमें जो है आप लोगों को फ्री में चैनल्स देखने को मिलेगा। किसी भी तरह की कोई भी रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इंस्टॉल करने के लिए इसकी जो खर्च आता है वो है 1700 से 1800 रुपये इसमें खर्च आता है, और HD सेट टॉप बॉक्स मिलता है। और सेट टॉप बॉक्स जो है देखने में कुछ इस तरह का होता है, और ये है MPEG-4 सेट टॉप बॉक्स, फुल HD सेट टॉप बॉक्स है। और इन सेट टॉप बॉक्स को बनाया है भिंगा जॉय कंपनी ने। इसी तरह की और भी बहुत सारे कंपनी जो है सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन आप लोगों को जो सेट टॉप बॉक्स लेना है वो है MPEG-4 और DD फ्रीडिस के लिए लेना है। तो उन सेट टॉप बॉक्स में आप लोगों को ज़िंदगी भर जो है चैनल्स आप लोगों को फ्री में देखने को मिलेगा। सेट टॉप बॉक्स के पीछे जो है कुछ इस तरह का आता है, जिसमें एंटेना लगाने की जगह रहता है। HD सेट टॉप बॉक्स के लिए HD आउट मिलता है और ऑडियो वीडियो जैक भी मिलता है लगाने के लिए। तो यह है सेट टॉप बॉक्स के पीछे की तरफ। सेट टॉप बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़रूरत होगा एक DTH एंटेना की। सभी DTH की जो एंटेना LNB तार होता है वो सेम होता है। अगर पुराना DTH या फिर DTH का कोई भी सामान है किसी भी कंपनी का, तो उसमें भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको जो डिश इंस्टॉल करना है वो है 93.5 डिग्री ईस्ट GSAT-15 सेटेलाइट में आप लोगों को डिश को सेट करना है, और इसमें जो है सिग्नल लाना है तो आप लोगों को जो है चैनल्स देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा चैनल्स जो है देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को म्यूज़िक, मूवीज़, एंटरटेनमेंट और न्यूज़, कार्टून सभी चैनल्स जो है मिल जाते हैं, और ये चैनल्स जो है लाइफ टाइम आप लोगों को फ्री में देखने को मिलेगा। किसी भी तरह की कोई भी रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। MPEG-4 जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें करीब 180 चैनल्स जो है मिलता है, और सभी चैनल्स जो है बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। इस सेट टॉप बॉक्स का दो वर्जन आता है, जिसमें एक है MPEG-4 जो HD सेट टॉप बॉक्स है, और दूसरा है MPEG-2 जो है नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स। इस DTH की जो कनेक्शन है वो आपको मार्केट में किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप से जहाँ DTH वगैरह बिकते हैं वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। तो DTH से जुड़े और भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।